हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। सो गाइज, माई सेल्फ लोहित जिंदल एंड आई वेलकम यू ऑल इन अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ INMO फ्लैशबैक सीरीज। सो गाइज, इन दिस सीरीज वी आर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर INMO क्वेश्चंस। ओके, इन ईच वीडियो वी टैकल वन क्वेश्चन, ओके, ऑफ द प्रीवियस ईयर INMO क्वेश्चंस पेपर। सो गाइज, सो फार हमने कवर कर लिया है INMO 2000 से स्टार्ट करके INMO 2005 तक कंप्लीट। कैन फाइंड दोज वीडियोज ऑन द चैनल इट सेल्फ। ओके, इससे पहले पोस्ट कर चुके हम, एंड करंटली वी आर सॉल्विंग INMO 2006। एंड उसमें से भी गाइज, सो फार वी हैव सॉल्व फोर क्वेश्चन ऑलरेडी। ओके, सो इन दिस वीडियो, ओके, टूडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ INMO 2006। ओके, सो गाइज, क्वेश्चन देख के आपको लग सकता है कि ज्योमेट्री पे बेस्ड है, इट्स मोर ऑफ बट बेस्ड ऑन एलजेब्रा। अगर आप बाद में ध्यान से देखोगे तो येस, इट डज यूज अ बिट ऑफ ज्योमेट्री, बट आफ्टर दैट इट्स मोर ऑफ इन एलजेब्रा थिंग, राइट? चलो, वेलकम टू दैट। ओके, सो बट बिफोर स्टार्टिंग गाइज, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज लोहित जिंदल। आई हैव डन माई बी टेक फ्रॉम IIT बॉम्बे, एंड सिंस ग्रेजुएटिंग आई हैव बिन टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर वेरियस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, मेनली IIT JEE, KVPY एंड मैथमेटिक्स ओलम्पियाड्स, राइट? सो गाइज, आज का जो क्वेश्चन है हमारा, एज आई सेड, देखने में ज्योमेट्री जैसा लगेगा लेकिन थोड़ा एलजेब्रा का यूज है मेजरली उसके अंदर, राइट? सो विदाउट एनी डिले गाइज, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ओके, सो ओके, लेट अस रिमूव दिस डायग्राम बिकॉज क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं था। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, स्टैंड अलोन क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था गाइज। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ INMO 2006, ठीक है? सो एक बार रीड कर लो गाइज। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, द लेंथ ऑफ साइड AB इज A, लेंथ ऑफ द सेगमेंट BC इज B, सेगमेंट सी डी इज सी, एंगल ए बी सी इज 120 एंड एंगल ए बी डी इज गिवन एज 30। ओके, सो दिस इज वॉट वी हैव टू प्रूव, राइट? सो दिस इज वॉट वी हैव टू प्रूव, दैट सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू प्रूव, एंड द सेकंड एक्सप्रेशन दैट वी हैव टू प्रूव इज दैट सी प्लस ए, रूट सी प्लस ए माइनस रूट ऑफ सी प्लस बी, मॉड ऑफ द होल थिंग शुड बी इक्वल टू सी माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर रूट। ओके, सो गाइज, एक्चुअली द पर्पज, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि पॉज कर दो वीडियो। ओके, प्लीज पॉज इट हेयर, डोंट वॉच द सोल्यूशन स्ट्रेट अवे, है ना? इसको आप अपना अच्छा सा अटेम्प्ट दो, पूरा का पूरा, गिव इट अ फुल गुड अटेम्प्ट। अगर हो जाता है क्वेश्चन, दैट इज वेल एंड गुड, बट अदरवाइज प्लीज स्पेंड एटलीस्ट वन वन एंड हाफ आवर, 2 आवर्स विद दिस क्वेश्चन। टाइम लगेगा बट इवेंचुअली यू विल बी लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। दैट इज द पर्पज गाइज, कि इसके ऊपर टाइम लगाओ, अलग अलग एंगल से इसको ट्राई करो, अलग अलग अप्रोचेज है। बिकॉज अगर हो गया देन दैट इज वेल एंड गुड, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उससे दैट यू वर एबल टू सॉल्व इन मोर क्वेश्चन। बट अगर नहीं भी होता इवन देन गाइज, बिकॉज आपने इतना एफर्ट किया होगा, आफ्टर दैट वॉचिंग द सोल्यूशन विल गिव यू नो इमेंस लर्निंग, बहुत ज्यादा लर्निंग आपको खुद को फील होगा कि हाँ मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ अभी, एंड दैट इज द ट्रू लर्निंग दैट विल गेट, ठीक है ना? आपको वो हमेशा समझ में रहेगा, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली देख लेते हो गाइज क्वेश्चन को, है ना, सोल्यूशन डायरेक्टली देख लिया, आई श्योर यू, अगर आपको मैंने एक दो महीने बाद भी पूछ लिया ना, यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज एंड यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट टू द फाइनल आंसर इजिली। ओके, तो आपको, क्योंकि द रीजन बीइंग बिकॉज यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, बिकॉज आपने सॉल्व किया नहीं होगा एक्चुअली में, राइट? आपने तो सोल्यूशन देखा है। इवन वाइल सॉल्विंग और वाइल सीइंग द सोल्यूशन, यू शुड राइट द क्वेश्चन, यू शुड राइट ईच एंड एवरी स्टेप, पॉज करके और सोचो कि इसके आगे क्या खुद से कर सकते हो, है ना? ट्राई टू कंप्लीट द क्वेश्चन बाई योर सेल्फ, है ना? हर बार पॉज कर दो जहां पे आपको लगता है कि समझ में आया है, और आगे खुद ट्राई करो। नेवर जस्ट कॉपी इट ब्लाइंडली, ऑल्सो जस्ट डोंट वॉच द सोल्यूशन सिंपली, देख लिया स्क्रीन पे और खुद सॉल्व नहीं किया, दैट विल बी नॉट बी ऑफ एनी यूज। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो गाइज, आई होप सबने इसको ट्राई दे दिया है अच्छे से अपना। ओके, सो गाइज, इस क्वेश्चन के लिए जो डायग्राम है मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है, सो क्वाइट ईजी। यहाँ पे आपको गाइज एक चीज पता लग जाएगी, हाउ? आपको ये दिया हुआ है दैट एंगल ए बी सी डी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, राइट? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है आपको, राइट? दिस इज गिवन टू यू एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक है, सो यू नो दैट एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज 120, ये आपको पता था। अभी फिलहाल आपको ये नहीं पता है दैट सी डी इज द डायमीटर, राइट? लेट इट बी टिल देन। और एंगल ए बी डी आपको मालूम है इज 30, सो गाइज ए बी डी इज 30, सो 120 में से 30 गया तो ये एंगल तो 90 बचा ना, एंगल ए बी सी इज, एंगल डी बी सी इज 90, देन 90 प्लस 30 इज 120, सो आपको यहां से ये पता लग जाएगा कि वो एंगल 90 है। एंड इफ वन ऑफ द एंगल इज 90 सबटेंडेड बाय वन साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, देन ऑफ कोर्स 90 डिग्री तो सेमी सर्कल में सबटेंड होता है, राइट?
सेमी सर्कल के अंदर ही सबटेंड होता है वो तो. सो गाइज यहां से आपको पता लग जाएगा दैट सी डी लाइन इज द डायमीटर, राइट, डायमीटर होगा वो. तो उसके अकॉर्डिंगली आप कई चीजें आगे बढ़ सकते हो. एंगल सी बी डी इज 90, सो गाइज दिस एंगल इज ऑल्सो 90, है ना. पाइथागोरस आप अप्लाई कर सकते हो कई जगह. एंड फर्दर गाइज एंगल ए सी डी, आई विल स्टार्ट विद दिस, एंगल ए सी डी शुड बी इक्वल टू एंगल ए बी डी. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ए डी कॉर्ड इज सबटेंडिंग बोथ द एंगल्स, एंड एंगल ए बी डी इज हाउ मच एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 30 degrees, राइट. ये 30 degree गिवन है आपको, राइट. सो आपको 30 degree यहाँ पे भी पता लग गया गाइज. सो गाइज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ वन ऑफ द एंगल इज 30, देर इज अ थ्योरम बेसिकली, और या फिर आप साइन 30 से भी समझ सकते हो वो बात को. एक्चुअली द थ्योरम इज, और यू कैन से द रूल इज, द साइड ऑपोजिट टू द एंगल 30 degree इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, साइड ऑपोजिट टू द 30 degree इज हाफ ऑफ द हाइपोटन्यूज. दैट मीन्स ए डी शुड बी हाफ ऑफ सी डी, राइट, एंड सी डी इज सी, सो दैट शुड बी सी बाई टू. दैट मीन्स गाइज ए डी लेंथ इज सी बाई टू. सो गाइज अगर आपको सी डी पता है, ए डी पता है, यू शुड बी एबल टू फाइंड ए सी, राइट, बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो ए सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, सो दैट इज सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई फोर, सो दैट इज 3/4 सी स्क्वायर, राइट. सो ए सी स्क्वायर की आपको वैल्यू मिल गई है, और ऑल्सो यू कैन राइट ए सी लेंथ एज √3/2c, राइट, ये पता होना चाहिए. सो वो भी मैं डायग्राम के ऊपर मार्क कर देता हूँ. सो दिस लेंथ शुड बी √3/2c, करेक्ट, ओके. नाउ गाइज अब हमें तो गाइज 120 डिग्री के एंगल का यूज करना है, बिकॉज वी हैव टू प्रूव द फर्स्ट थिंग. लेट अस ट्राई टू स्टार्ट एंड प्रूव द फर्स्ट थिंग, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी, राइट. ए प्लस बी को गाइज यूज करना चाहेंगे अगर हम, दैट इज अवेलेबल इन ट्राइंगल ए बी सी ओनली, है ना. ए बी और बी सी अगर साइड को पिक करते हैं, तो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर मुझे अब सारी साइड्स पता है और एंगल भी मालूम है, राइट. आई नो द एंगल बी, कंप्लीट एंगल बी इज 120. सो लेट अस ट्राई टू यूज कोसाइन रूल, राइट. लेट अस ट्राई टू यूज कोसाइन रूल हियर. तो गाइज यहां पे सॉल्व कर देते हैं फर्स्ट पार्ट को. सो लेट अस सी गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओके लेट मी राइट, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 times ए बी इंटू बी सी इंटू कॉस 120. दैट विल बी द फॉर्मूला, राइट, ओके. आई राइट इट डाउन है नाउ. √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 120, दैट इज माइनस हाफ, राइट. सो गाइज यहां पे आपके पास 2 एंड 2 विल गेट कैंसल्ड, सो नाउ यू हैव 3/4 टाइम सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, सॉरी मेड अ मिस्टेक हियर, देयर इज अ नेगेटिव साइन इन दिस थिंग, राइट, देयर इज नेगेटिव साइन हियर, दिस विल बी द फॉर्म, ओके, राइट, दैट इज द कोसाइन रूल. सो माइनस आएगा, ठीक है. सो यहां पे राइट साइड पे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, करेक्ट. So you can write the value of c square as 4/3 times a square plus b square plus ab, correct. So this is the relation that you are able to form. First of all, I hope this thing should be clear, right. Abhi first ka answer aaya nahi hai, okay. Let us come back here. I wanted to make the use of that space. So guys wahan pe continue karte hain first part ko. So guys c square ki value aa gayi hai, but I have to prove c is greater than equal to a plus b. Relation to aa gaya yahan pe. So let us write down this expression c square minus a plus b hooka whole square, because I want to prove that this is greater, right. C is greater than equal to a plus b, then c square minus a plus b whole square should be greater than 0, correct, greater than equal to 0 hona chahiye. Let us see how it goes. So c square ki value put karte hain guys, that is 4/3 times a square plus b square plus ab minus, what is a square plus b a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. सो गाइज अपॉन सॉल्विंग यू कैन टेक यू नो 1/3 कॉमन निकाल के रख लो, कैलकुलेशन वाइज इट विल बी ईजियर दैट वे. इफ यू टेक 1/3 कॉमन, इन साइड यू विल हैव 4a² माइनस 3a² अगर आप एलसीएम ले लोगे, ओके आई कैन मेक इट ईजियर फॉर यू टू लुक. सो 3/3 लिख सकते हो, राइट. सो 4a² माइनस 3a² इज ए स्क्वायर, सिमिलरली 4b² माइनस 3c² इज बी, 3b² इज बी स्क्वायर, एंड 4ab माइनस 6ab, सो दैट इज माइनस ab, 2ab. Right, so that is minus 2ab. So guys, this expression is basically 1/3 times a minus b whole square. Right. So guys, a and b are the sides of the triangle. Anyways, a minus b ka jo whole square, it's a whole square by 3.
सो ऑफ कोर्स दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है, इट कैन आइदर बी जीरो व्हेन ए इक्वल टू बी, अदरवाइज इट इज पॉजिटिव. सो गाइज फ्रॉम दिस थिंग नाउ सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, विच मीन्स सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, विच विल मीन सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट. एंड सिंस गाइज वी नो दैट सी इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड ए प्लस बी इज पॉजिटिव बिकॉज दोज आर द साइड ऑफ द ट्राइंगल, सो दैट गिव्स सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी, राइट. एंड दैट इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट वी हैड टू प्रूव, राइट. दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट वी हैव प्रूवन सो फार, राइट. सो सिंपल इनफ, हमने सिर्फ कोसाइन रूल यूज किया और कुछ भी नहीं किया, और वो ट्राइंगल के अंदर थोड़ी ज्योमेट्री यूज किया था, राइट, जस्ट टू फाइंड दैट ए सी और ए सी स्क्वायर, दैट इज इट, और कुछ नहीं, बहुत कितना सिंपल है, कोसाइन रूल यूज किया एंड वी वर एबल टू प्रूव दैट दिस इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी. सो यहां तक क्लियर हो गया, राइट. नाउ गाइज सेकेंड पार्ट, गाइज सेकेंड पार्ट ना थोड़ा सा ट्रिकी है, इट काइंड ऑफ यू नो आपको पेपर के अंदर भी तो सेकेंड पार्ट दिया होगा ना कि ये प्रूव करना है, सो यू कैन यूज इट टू योर एडवांटेज ऑल्सो, आप उसको बैक ट्रैक कर सकते हो, बैक कैलकुलेट कर सकते हो. ओके आई टेल इट टू यू, मैं सॉल्व करूंगा दूसरे तरीके से, लेकिन उसका वो दिमाग में सीधा नहीं आता वो चीज़, जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ, जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, दैट विल नॉट डायरेक्टली कम टू योर माइंड, बट क्या कर सकते हो आप, जो आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है उसको थोड़ा अगर आप सॉल्व करते हो, है ना, तो आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो आपको पता है, राइट. देन यू कैन बेसिकली गो एंड बैक कैलकुलेट टू गेट वॉट यू वॉन्ट टू प्रूव, ठीक है, दैट इज द ट्रिक काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे. तो मैं बताता हूँ कैसे, दोनों चीजें एक्सप्लेन करूंगा. सो लेट मी ट्राई एंड ट्राई, ओ सॉरी सॉरी गाइज, ओके ओके. सो सेकेंड पार्ट प्रूव करते हैं, लेट मी ट्राई एंड प्रूव इट कि कैसे कर सकते हैं उसको, ठीक है, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं. सो गाइज आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस गिवन एक्सप्रेशन, जो राइट साइड पे हमने अभी एक्सप्रेशन डिराइव किया था उसके डिफरेंट फॉर्म से करते हैं स्टार्ट. सो थ्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ सी स्क्वायर के साथ, राइट, एंड देन वी विल स्टार्ट. ओके लेट मी स्क्रोल इट डाउन अ बिट, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं. देखो सो आई गेट थ्री सी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टाइम्स, ओके मैं उसको एक्सपैंड कर देता हूँ, फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी, राइट. सो गाइज अब मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल ऐड सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, राइट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. एंड नाउ आई विल ट्राई टू फॉर्म सम होल स्क्वायर टर्म्स, राइट. देखो राइट साइड पे क्या है, टू ए का होल स्क्वायर है, टू बी का होल स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है. नाउ टू फॉर्म ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर काइंड ऑफ थिंग, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर एंड फोर ए बी था मेरे पास ऑलरेडी, ऑलरेडी हैड फोर ए बी, बट आई कम टू दैट. अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो दिख रहा है आपको सीधा सीधा, बट देन देयर आर थ्री मोर टर्म्स, टू ए बी टू बी सी टू सी ए, राइट. टू ए बी टर्म यहाँ पे कितना आना चाहिए, दैट शुड बी एट ए बी, सो लेट इट लेट मी राइट एट ए बी, ओके आई एडजस्ट एवरीथिंग. सो देन द नेक्स्ट टर्म शुड बी फोर बी सी, राइट, प्लस फोर बी सी प्लस फोर सी ए, राइट. बट सिंस आई हैव एडेड सम टर्म्स ऑन माई ओन, क्या क्या टर्म्स ऐड किए हैं वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके. सो बेसिकली आई हैव एडेड फोर ए बी बाय माई सेल्फ, है ना, सो लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे वही चीज. सो आई एड फोर ए बी, है ना, ओके, फोर बी सी एंड फोर सी ए भी ऐड किया मैंने अपनी तरफ से. सो आई एड प्लस फोर ए बी ए सी प्लस फोर बी सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल, राइट साइड पे भी ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड पे भी हो गया, राइट. नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, आई हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग, आई हैव जस्ट एडेड फोर ए बी फोर बी सी फोर सी ए ऑन बोथ साइड्स, बट ड्यू टू दैट ऑन द राइट हैंड साइड वो होल स्क्वायर बन गया, राइट. आई एम एबल टू राइट टू ए प्लस टू बी प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट. मैंने साइड लिखने में चेंज कर दिया, रीअरेंज, राइट साइड को मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, अभी इज इक्वल टू राइट साइड पे गाइस जो आप देखते हो फोर कॉमन आ रहा है, जो इन साइड यू हैव सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड इफ लुक एट इट केयरफुली आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, लेट अस सी. सो टू ए प्लस टू बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज टू स्क्वायर, अगर आप अंदर देखते हो गाइस दिस इज, अगर आप सी स्क्वायर प्लस बी सी में से सी कॉमन लेते हो द फैक्टर इज बी प्लस सी, एंड द अदर टू टर्म्स यू कैन टेक ए कॉमन, उसमें भी बी प्लस सी आएगा. सो बेसिकली दिस इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी, राइट, ये आ गया यहाँ पे. एंड सिंस नाउ आई कैन टेक द स्क्वायर रूट हियर, ओके आई विल टेक स्क्वायर रूट, लेट मी राइट लाइक दिस, स्क्वायर रूट कर रहे हैं, ओके स्क्वायर रूट, बिकॉज द टर्म्स आर ऑल पॉजिटिव, सब सम में लिखी हुई है और ए बी सी मुझे सब पता है पॉजिटिव है, विल गेट टू ए प्लस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू टू टाइम्स रूट ऑफ सी प्लस ए सी प्लस बी, राइट.
सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी। गाइज मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको अभी समझ में आएगा थोड़ा सा। लुक एट द एक्सप्रेशन केयरफुली, आपको सी प्लस ए रूट चाहिए और सी प्लस बी रूट चाहिए एंड रूट ऑफ सी माइनस ए माइनस बी। सो सी प्लस ए सी प्लस बी मैंने क्रिएट कर लिया है अपने तरफ से, राइट गाइज। देखो अगर आप जो एक्सप्रेशन क्रिएट करना है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे, सी रूट ऑफ सी प्लस ए माइनस रूट ऑफ सी प्लस बी, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो, इफ यू आर स्क्वायरिंग द इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स, द गिवन फॉर्म जो आपको प्रूव करना है उसको अगर आप स्क्वायर करते हो दोनों तरफ, ऑफ कोर्स यू विल गेट अ टर्म ऑफ टू ए बी टर्म, राइट। लेफ्ट साइड पे मतलब क्या होगा, रूट ऑफ सी प्लस ए का होल स्क्वायर होगा प्लस रूट ऑफ सी प्लस बी का होल स्क्वायर होगा माइनस टू टाइम्स रूट ऑफ सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी, राइट। तो वो आपने क्रिएट कर लिया है टू टाइम्स सी प्लस ए सी माइनस बी। सो आई विल राइट नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल सब्ट्रैक्ट सम टर्म सो दैट वो स्क्वायर बन जाए वैसा। सो सी प्लस ए सी प्लस बी का स्क्वायर होना चाहिए, रूट ऑफ सी प्लस ए माइनस रूट ऑफ सी प्लस बी का चाहिए। सो व्हाट आई विल डू हियर इज नाउ जस्ट अ सेकेंड, ऑल राइट। सो व्हाट आई विल डू इज गाइस माइनस क्या करूंगा, माइनस सी प्लस ए प्लस सी प्लस बी आई विल सब्ट्रैक्ट, इधर से भी कर दूंगा फोर इज माइनस माइनस ऑफ सी प्लस ए प्लस सी प्लस बी, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड अब क्या बन गया। सो गाइस लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा, टू ए माइनस ए ए, टू बी माइनस बी इज बी एंड सी माइनस टू सी सो माइनस सी, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव साइन कॉमन निकालना पड़ेगा मुझे एंड आई विल बी हैविंग सी प्लस ए प्लस सी प्लस बी माइनस, सो कंसिडर देम टू डिफरेंट टर्म्स, माइनस टू टाइम्स रूट ऑफ सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी इसका स्क्वायर रूट। नाउ विच इज अ स्क्वायर, राइट, होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। आई राइट दिस एज नाउ नेगेटिव साइन लेफ्ट साइड पे भी हटा देते हैं, सो आई राइट सी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस ए माइनस रूट ऑफ सी प्लस बी इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ आपके पास, राइट। आई बैलेंस डेड आउट, ओके लेट मी स्क्रोल डाउन अ बिट, ओके यहां तक आ गए गाइस। नाउ यू कैन टेक द स्क्वायर रूट बिकॉज अब मुझे सी माइनस ए माइनस बी का साइन नहीं पता है कि क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट। ओ सॉरी दिस इज पॉजिटिव ऑफ कोर्स, अब स्क्वायर रूट कर सकता हूं बट आई डोंट नो इफ रूट ऑफ सी प्लस ए इज ग्रेटर और सी प्लस बी इज ग्रेटर। सो स्क्वायर रूट करते वक्त गाइस नाउ आई विल राइट रूट ऑफ सी प्लस ए माइनस रूट ऑफ सी प्लस बी का मॉड आएगा यहाँ पे बिकॉज आई डोंट नो विच टर्म इज ग्रेटर, राइट, इन दिस थिंग विच विल बी इक्वल टू रूट ऑफ सी माइनस ए माइनस बी। एंड गाइज दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन पार्ट बी का जो मुझे फाइंड करना था, राइट। सो गाइज अब आपके माइंड में ये बात आ सकती है एंड इट इज नेचुरल थिंग कि सर ये इतनी मैनिपुलेशन करके वहां तक पहुंचना है ऐसा कैसे पता लगेगा, ऐसे तो नहीं पता लगेगा, राइट। ऐसे तो जैसे मैं कर रहा हूँ ये तो कुछ कुछ टर्म्स अपनी तरफ से ऐड करते जा रहा हूँ बीच बीच में और रिक्वायर्ड टर्म तक पहुंच गया हूँ, बट यू माइट थिंक सर ये कैसे पता लगेगा कि ऐसे करना था। सो गाइज द हिंट लाइज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला गया है। एक्चुअली तो एक और तरीका भी है इसको समझने का, ओके। सो आई होप, बट बिफोर दैट आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, एज सच द सोल्यूशन इज कम्प्लीट। नाउ लेट मी टेल यू कि बी पार्ट के लिए आइडिया लगेगा कैसे, ओके। लेट मी कम बैक टू इट, ओके। सो लेट अस कम बैक टू इट, ठीक है। सो गाइज देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ओके। सी गाइज हमें क्या पता था, रूट ऑफ ये एक्सप्रेशन हमें मालूम था, वी हैव प्रूव दिस ऑलरेडी, सो ये हमें मालूम था। तो मॉड हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, आफ्टर स्क्वायरिंग आई गेट सी प्लस ए प्लस सी प्लस बी माइनस टू टाइम्स रूट ऑफ सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी इक्वल टू सी माइनस ए माइनस बी, राइट। तो यहां पे आप सॉल्व कर सकते हो, यू विल गेट टू टाइम्स रूट ऑफ सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी, ओके, इज इक्वल टू यहां पे टू सी माइनस सी सी आएगा, ए प्लस बी है प्लस टू ए प्लस टू बी, ये आ जाएगा आपके पास। नाउ अगेन यू ऑफ कोर्स बाय रिमूविंग द स्क्वायर रूट यू विल स्क्वायर इट, तो आपके पास क्या आएगा, फोर टाइम्स सी प्लस ए सी प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस टू ए प्लस टू बी का होल स्क्वायर, ओके। लेट मी स्क्रोल इट डाउन, आई नो इमेज आ रहा होगा, ओके। सो गाइस बस अब क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है, जस्ट यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट, यू विल सी सेम एक्सप्रेशन आ रहा है ना जो हमने क्रिएट किया था। सो फोर सी स्क्वायर प्लस फोर ए बी प्लस फोर बी सी प्लस फोर सी ए एंड ऑफकोर्स ऑन द राइट हैंड साइड भी वही सब आएगा,
right? So c square plus 4a square plus 4b square plus 8ab plus 4bc plus 4ca. And what you'll observe is 4bc, 4ca cancel ho gaya, right? And rest of the terms you collate them on the one side, c square minus kar doge left side pe jaake. So 3c square will be equal to 4a square plus 4b square minus plus 4ab. क्योंकि 8ab यहाँ पे है और 4ab यहाँ पे. That's it. Don't you think ये वाला expression वही तो है यहाँ पे जो लेके आए थे आप, ये वाला. This expression is same as this boxed expression, right? So same ही है. So it's just like this. आपको इस question के, इस question को solve करके, जो part आपको solve करना था उसको, जो प्रूव करना था आपको, उसको थोड़ा सॉल्व करके आपको पता लगेगा कि क्या स्टेप्स आप बैक कैलकुलेट कर सकते हो. मैंने आपको पहले ही बोला था कि बैक ट्रैक करके जाओगे. सो इस चीज को के बारे में मुझे मालूम था. आप पेपर में क्या कर सकते हो, यू कैन बेसिकली प्रूव दिस थिंग एज वेल. ऐसे गलत नहीं है कुछ, ठीक है, कि ये सॉल्व करके वही आ गया तो दिस इज फाइन. बट आपको जनरली क्या होता है, जो टू प्रूव करने वाली चीज होती है, यू शुड रीच टिल देयर. तो वहां से वहां भी तो पहुंच सकते हो, अगर यहां से उल्टा पहुंचे थे प्रूव वाले को सॉल्व करके आप वहां तक पहुंच गए बॉक्स एक्सप्रेशन तक, तो उल्टा भी तो जा ही सकते हो बाय डूइंग द सेम स्टेप्स इन द ऑपोजिट वे. तो वही हमने किया यहां पे. दैट्स द सेम थिंग दैट वी डिड हियर, है ना. सो गाइस, दैट इज द टेक्निक और द मेथड टू थिंक अबाउट सम शो दैट वाले एक्सप्रेशन को शो करना होता है वैसे क्वेश्चंस के अंदर, जिससे आप हिंट मिल सकता है आपको, राइट. सो दैट इज वन ऑफ द वे कि कैसे सॉल्व करना है आपको एक इनमो क्वेश्चन को, ठीक है, रादर किसी भी शो करने वाले एक्सप्रेशन जो शो करना हो, अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हो, पहले एक सिंप्लीफाइड फॉर्म तक लेके आ सकते हो, यू कैन यूज दिस मेथड, तो फ्री के नंबर बन जाएंगे आपके पास, राइट. सो गाइज, आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया. प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, कि प्लीज खुद से करो, राइट, दैट विल हेल्प यू अलॉट. सो गाइज, दैट्स इट. सो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद द सिक्स एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आईएनएमओ 2006, है ना. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. एंड गाइज, I hope you like the video, so please like the video and subscribe to our channel. So it will keep us motivated, of course. ठीक है, तो हम अच्छा करने की हमें और you know motivation मिलती रहेगी. So we'll try keeping up our efforts. Okay. Thank you guys. We'll see you in the next video. Till then, take care and keep practicing, guys. Thank you. Bye bye.